हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस। और मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर ये व्लॉग मेरा बन रहा है, इसमें कोई अभी टेक्निकल बात हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि देश के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देश के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान अपने स्तर से अगर थोड़ी सी मेहनत करेगा तो हमारा एक सपोर्ट देश को अच्छा से हो सकता है। जैसे सरहद पे हमारे फौजी भाई लोग देश के लिए कितनी कुछ कुर्बानियां देते हैं, लेकिन हम लोग वैसी कोई कुर्बानी अभी नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग सिविलियन हैं। लेकिन हर सिविलियन का भी उतना ही फ़र्ज और उतनी ही ड्यूटी है जितना कि एक सैनिक की होती है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि हम लोग घूमने आए हैं, ये वातावरण आप देखिए कितना खूबसूरत हमारा देश है, कितना खूबसूरत है, यहाँ की वादी है और हर चीज़ नेचुरल है। नीचे भी आप देख सकते हैं पूरा मतलब एकदम क्लियरिटी है, हर चीज़ मतलब नेचुरल और प्योर है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग जाना शुरू करते हैं, ये अभी एक ऐसा अनछुई जगह मैं अभी आया हूँ, ये रांची से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर पतरातु घाटी के पीछे का एरिया है। तो ये बिल्कुल नेचुरल आप देख पा रहे हैं। अभी आप अगर घाटी के क्षेत्र में जाएंगे जो कि बहुत पॉपुलर हो चुकी है, मैं तो बचपन से वहाँ आना जाना कर रहा हूँ, और घाटी का जो क्षेत्र है लोग वहाँ फ़ोटोशूट के लिए जाते हैं। अब फोटोशूट में जाने के वजह से क्या होता है कि तरह तरह की डिशेज वहाँ पे मिलती हैं और ये अच्छी बात भी है। हमारा देश है अनेकता में एकता का देश है, यहाँ पर तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की डिशेज मिलती हैं और सबके लैंग्वेजेस अलग अलग है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए इस खूबसूरती को क्या कर रहे हैं कि उसी को गंदा कर रहे हैं। और जितने भी चीज़ वहाँ पे लोग खाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे पैकेट्स वगैरह फेंक देते हैं या अपने गंदी चीज़ें फेंक देते हैं वहाँ पर, तो इस चीज़ से हम लोगों को परहेज़ करना है और देखना है, कोशिश करना है कि जो भी चीज़ हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फालतू चीज़ें हैं उसे वापस अपने बैग में, कैरी बैग में लेकर के आएँ और डस्टबिन वगैरह में डालें, ताकि दोबारा जो लोग हमारे बाद वहाँ पर जाएँ उनको किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हो। स्वतंत्रता दिवस पर मेरा यही सबसे निवेदन है और मैं भी कोशिश करूँगा कि एक टीम लेकर के आऊँ नेक्स्ट टाइम, और जो भी वहाँ पर कचड़े वगैरह हैं उन्हें मैं अपने साथ में जहाँ तक हो सकेगा मुझसे मैं उसे लेकर के वापस जाऊँगा और जो डंपिंग एरिया वहाँ डंप करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। आप फैल्कन विंग से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।